फूलबाग से सेवानगर तक बन रही सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम व प्रशासन अमला पहुंचा। अमले ने पहुंचते ही पहले से चिन्हित अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। लोगों ने जैसे ही अपनी दुकानों व मकानों पर टूटता देखा तो उनका आक्रोश भड़क गया और उन्होंने पहले धरना दिया और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारे लगाना शुरू किए। जब प्रशासन का अमला इससे पहले नहीं रुका तो उन्होंने विरोध कर काम करने से रोका। ऐसे में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया और थाने भेजा। प्रशासन की इस कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। फूलबाग से सेवानगर तक सड़क का निर्माण चल रहा है। किला गेट क्षेत्र में सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण होने से सड़क का काम रुका हुआ था। इधर सड़क ना बनने की वजह से ऊर्जा मंत्री ने जूते चप्पल त्याग करने का संकल्प लिया था। इससे अफसरों पर दबाव था। रविवार को निगम व प्रशासन का अमला पुलिस बल लेकर किला गेट पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गया। जैसे ही अमले ने काम करना शुरू किया वैसे ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रशासन के काम को हर संभव रोकने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रशासन की टीम की कार्यवाही का विरोध करते हुए लोगों ने जेसीबी मशीनों के सामने धरना देना शुरू कर दिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। पहले टीम व पुलिस ने लोगों को सामान्य रूप से हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग नहीं हटे तो पुलिस ने जबरन हल्का बल प्रयोग किया और लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया।